बारिश का दौर लगातार राजधानी में जारी है। राजधानी भोपाल में तेज बारिश से सड़कें लबालब हो चुकी हैं। निचली बस्तियों में पानी भर चुका है। लगातार बारिश से परेशानियां बढ़ रही हैं। अति भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं राजधानी भोपाल की अगर आप तस्वीरें देख रहे हैं तो साफ नजर आ रहा होगा किस तरह से यहां तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। 15 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। बालाघाट, मंडला, सतना, अनूपपुर में अति तेज बारिश होने की संभावना है। अति भारी बारिश की संभावना इन जिलों में जताई गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, नर्मदापुरम संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर एवं रीवा, सागर, इंदौर, ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। और वर्षा के प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं। रेहटी, राजगढ़ में 9 सेंटीमीटर, जावद और बरगी में 8 सेंटीमीटर, इछावर, नरसिंहपुर और सागर में 7 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अगले 24 घंटों में एक ट्रफ लाइन है जो मध्य प्रदेश से गुजर रही है, जिस कारण से पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है और भोपाल और नर्मदापुरम के जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है और बाकी में गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। भोपाल का टेम्परेचर अधिकतम 30 और न्यूनतम 23 डिग्री रहने की संभावना है। इधर छत्तीसगढ़ में भी रायपुर समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। सरगुजा, जशपुर, महासमुंद में अलर्ट जारी हुआ है। वहीं बीजापुर, नारायणपुर में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कई जिले ऐसे हैं जहां बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है और कई जिले ऐसे हैं जहां पर बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया, जिसमें सरगुजा, जशपुर, महासमुंद में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। चलिए, हमारे साथ संवाददाता गौरव लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, हमने देखा जिस तरह से छत्तीसगढ़वासी बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था बारिश का, और अब कुछ ऐसी ही खबरें मिल रही हैं कि रायपुर समेत कई जिले ऐसे हैं जहां लगातार बारिश का दौर जारी है। जी बिल्कुल, देखिए यदि राजधानी रायपुर की बात करूं तो सुबह से हो रही बारिश अभी थमी है, तो मौसम थोड़ा सा खुला है, लेकिन मौसम विभाग ने एक बार फिर से येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वो भी अगले 48 घंटों के लिए। पहले ये अलर्ट 24 घंटों के लिए था, अभी अलर्ट अगले 48 घंटों के लिए, जिसमें ऑरेंज अलर्ट में सरगुजा और बिलासपुर संभाग को रखा गया है, जहां पर अति से तेज भारी बारिश के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। साथ ही साथ येलो अलर्ट में रायपुर और दुर्ग संभाग को रखा गया है, जिसमें इन संभागों के कई जिलों में जो है भारी बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लंबे समय से छत्तीसगढ़ की जनता को बारिश का इंतजार था और जो लोगों को पूरा नहीं हो पा रहा था, बादल तो रहे थे लेकिन लोगों में एक आक्रोश था कि बादल बरस नहीं रहे हैं, काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, चाहे उमस की बात करें या फिर जो खेती किसानी की बात है, वो उसमें भी खेती किसानी में किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आज जो बारिश हुई है, प्रदेश के कई जिलों में ये बारिश अभी भी जारी है, लेकिन ये जो बारिश हुई है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत भारी बारिश है, क्योंकि उमस से जो परेशानी थी वो काफ़ी हद तक कम हुई है। मौसमी बीमारी भी बढ़ गई थी पानी बारिश नहीं होने के चलते, बार बार जो मौसम बदल रहा था उसके चलते मौसमी बीमारियों में भी काफी इजाफा हुआ था, तो कहीं ना कहीं आज जो बारिश हो रही है वो एक राहत भरी बारिश कहने में कोई गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल सही कहा गौरव आपने, धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, रायपुर समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी है और जैसा कि हमारे संवाददाता कह रहे थे कि उमस और गर्मी से लोग परेशान थे, ऐसे में राहत भरी खबर, रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इधर जशपुर में लगातार बारिश से नदियां उफान पर आ रही हैं और फंती नदी के बीच सड़क पार करने के लिए लोग मजबूर हैं। कवई गांव की ईब नदी उफान पर है। बता दें कि रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके चलते अपने जान पर खेलकर लोगों को यहां से अपने वाहनों को निकालना पड़ रहा है। बता दें कि सालों से यहाँ पुलिया बनाने की मांग ग्रामीण उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद
क्या कुछ उस ओर कदम बढ़ाए गए हैं, क्या कुछ प्रयास किए गए हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। तेज बहाव के बीच जिस तरह से रपटे के ऊपर से वाहन लोग निकाल रहे हैं, कभी भी यहां पर एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो लोगों को अपनी जान पर खेलकर इस पुलिया को पार करना पड़ रहा है, उफनती नदी के बीच जहां पानी का बहाव इतना तेज है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं